press the bell icon on YouTube app and never miss any update from TechTubeLight. Hey guys, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो अगर आप लोग NVIDIA के नए GPUs का इंतजार कर रहे थे तो आप लोगों का काफी बड़े तरीके से कट गया है। Computex 2018 में NVIDIA ने ये साफ कर दिया है कि और कोई नए GPU अगले साल से पहले तो हमें दिखने नहीं वाले हैं। इसी के चलते आज के इस वीडियो में हम NVIDIA के GTX 1050 Ti को कंपेयर करेंगे GTX 1050 2GB वर्जन के साथ, जिसका परफॉर्मेंस रिव्यू मैंने पिछले हफ्ते किया था। उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आ रहे लिंक को क्लिक करें। आप लोगों के लिए ये GPU ठीक रहेगा कि नहीं 2018 के सेकेंड हाफ एंड 2019 आने वाले गेम्स के लिए, जैसे कि शैडो ऑफ द टॉम रेडर, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 4 या बैटलफील्ड 5, एंड इसके अलावा E3 कन्वेंशन में जितने भी नए गेम्स का लॉन्च हुआ है वो सब इस कार्ड पे चलेंगे कि नहीं, देखते रहिए पूरा वीडियो। एंड वीडियो के एंड तक आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं चैनल इंट्रो के बाद, स्टे ट्यून्ड। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेक ट्यूबलाइट पे। एंड मैं इस पे बनाता हूँ हार्डवेयर, गेमिंग एंड टेक ज्ञान रिलेटेड वीडियोस हिंदी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो। मैं ट्विच और यूट्यूब दोनों जगह लाइव स्ट्रीम करता हूँ। अगर आप लोग मुझे सीधे कोई भी डायरेक्ट सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए यूट्यूब लिंक पे क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। साथ ही PC गेमर एंथुजियास्ट ग्रुप इंडिया का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे हम हार्डवेयर एंड PC एंड गेमिंग रिलेटेड सारे सवाल एक दूसरे से कर सकते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो GTX 1050 पिछले एक साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड मेरे GTX 1080 Ti के आने के बाद ये मेरे एक टेस्ट बेंच का हिस्सा बन के रह गया था। हम लोगों ने ये सारे बेंचमार्क्स अपने i5 7400 CPU के साथ किया है, साथ ही 16GB DDR4 RAM 2400 MHz की स्पीड पर, एंड HDD में हमने ADATA Pro 580 जो कि 120GB SSD बूट ड्राइव के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने करीब 19 बेंचमार्क देखेंगे, जिसमें से 6 सिंथेटिक बेंचमार्क एंड बाकी 13 गेमिंग बेंचमार्क्स। सारे बेंचमार्क्स 1080p रेजोल्यूशन पे टेस्ट किए गए हैं। तो अगर आप इससे कम के रेजोल्यूशन पे गेमिंग करते हैं तो परफॉर्मेंस बेटर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं यून इंजिन हेवन 4.0 1080p रेजोल्यूशन अल्ट्रा टेक्सचर क्वालिटी में हमको एक बहुत ही मिनिमम जंप मिलता है GTX 1050 2GB के मुकाबले। जहां हमको यहां पे 35.8 का एवरेज FPS मिल रहा था, वहीं GTX 1050 में 31.9 FPS का, जो कि बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी सिंथेटिक बेंचमार्क्स हैं वो हार्डवेयर के हिसाब से काफी अच्छा स्केल यानी अपने आप को ऑप्टिमाइज करके वो एक स्कोर प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए आपको इन बेंचमार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज एक्सेप्ट फॉर VRAM एंड कुछ कम CUDA कोर्स ये दोनों कार्ड मोर ऑर लेस सेम ही है। इसके बाद बात करते हैं यून इंजिन वैली बेंचमार्क की। इस बेंचमार्क में जैसा कि आप देख सकते हैं, अगेन हमको 10% के आसपास का बूस्ट मिलता है परफॉर्मेंस में GTX 1050 पे। जहां हमको 40 FPS मिल रहा था GTX 1050 पे, यही हमको 35.8 FPS का मिल रहा था। इसके बाद बात करेंगे फर्मार्क, एंड फर्मार्क में FHD प्रीसेट में यानी फुल HD प्रीसेट में हमको मिलता है 38 के मुकाबले 41 का FPS, जो कि अराउंड लेस देन 10% है। एंड यही ट्रेंड आप लोग सारे बेंचमार्क्स में देख पाएंगे, बिकॉज इसका एक रीजन है जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद बात करते हैं सुपर पोजिशन बेंचमार्क की, जो कि 1080p हाई रेज टेक्सचर सेटिंग पे किया गया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं GTX 1050 ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया था हाई पे, जहाँ पे हमको 8.57 का एवरेज मिल रहा था। GTX 1050 Ti पे हमको 27.9 का एवरेज मिल रहा है। ये इस तरह से फ्लक्चुएशन इसीलिए किया बिकॉज सुपर पोजिशन का हाई बेंचमार्क 2GB से ज्यादा VRAM यूज करता है। तो इसीलिए 1050 में बिकॉज 2GB से ज्यादा VRAM नहीं था, परफॉर्मेंस काफी हैम्पर हुआ। वहीं GTX 1050 Ti में जैसे कि आप देख सकते 27.92 का एवरेज FPS था, एंड मीडियम सेटिंग्स पे यही बढ़ के 39.41 का हो गया, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। 3DMark Firestrike में ग्राफिक टेस्ट 1 में जैसे कि आप देख सकते हैं GTX 1050 के मुकाबले GTX 1059 में हमको 34.78 का FPS मिला, जो कि अगेन 10% के आसपास ज्यादा था 1050 2GB से। वहीं ग्राफिक टेस्ट 2 में आप देख सकते हैं कि 30.78 का एवरेज मिला, जो कि अराउंड 3 FPS ज्यादा था GTX 1050 से। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूस है सारे सिंथेटिक बेंचमार्क्स में। इसके बाद बात करेंगे 3DMark TimeSpy की। ये सिर्फ एक ऐसा टेस्ट है जिसको 1440p रेजोल्यूशन पे यूज किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि GTX 1050 Ti ने अगेन ग्राफिक टेस्ट 1 में 15 का एवरेज दिया, एंड ग्राफिक टेस्ट 2 में
13 का एवरेज दिया जो कि अराउंड 10% ज्यादा थे GTX 1050 के मुकाबले। तो चलिए अब जिसका वेट कर रहे थे उसके बारे में बात करते हैं, गेमिंग बेंचमार्क्स। गेमिंग बेंचमार्क्स में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे Far Cry 5 से। Far Cry 5 में जैसे कि आप देख सकते हैं अल्ट्रा सेटिंग्स में हमको 1050 Ti में 42 का एवरेज FPS मिला एंड मिनिमम FPS थे 35 का, जो कि अब अगेन 7 FPS ज्यादा है एवरेज में अगर हम बात करते हैं GTX 1050 के। वहीं पे जब हम टेक्सचर को लो कर देते हैं यानी ग्राफिक्स क्वालिटी को लो कर देते हैं तो एवरेज FPS हमारा बढ़ के 56 हो जाता है एंड मिनिमम FPS 46, विच इज क्वाइट प्लेबल विदाउट एनी इशू। GTA 5 एक बहुत ही पॉपुलर मल्टीप्लेयर गेम है एंड ऑफलाइन मोड पे मैंने ये सारे टेस्ट किए हैं। ऑफलाइन मोड पे मेरे को GTX 1050 Ti में एवरेज मिला 152 का, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है, बट इसका मिनिमम FPS ड्रॉप हुआ 4.45 तक। वहीं GTX 1050 के मुकाबले ये अराउंड 22 FPS ज्यादा है एवरेज में, बट GTX 1050 में हमको मिनिमम FPS 8.6 का मिला था, जो कि मार्जिन ऑफ एरर के आसपास ही आता है। वहीं अल्ट्रा सेटिंग्स पे जब आप देखते हैं तो अल्ट्रा सेटिंग्स पे GTX 1050 Ti का एवरेज FPS था 81.53 एंड मिनिमम था 9.9, जो कि काफी इंप्रूव्ड है। इसका मतलब स्मूदर गेम प्ले हमको मिला जब हम लोगों ने अल्ट्रा सेटिंग्स किया। यही चीज अगर आप लोगों को याद हो 1050 में नॉर्मल सेटिंग्स पे बहुत मुश्किल हो गया था गेम खेलना बिकॉज CPU बॉटलनेक कर रहा था, यहाँ पे उस टाइप का कुछ इशू दिखा नहीं। GTX 1050 Ti पे अब GTA 5 इजीली खेल सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। इसके बाद बात करेंगे Assassin's Creed Origins की एंड 1080p हाई रेजोल्यूशन पे GTX 1050 के मुकाबले GTX 1059 ने 45 एवरेज FPS दिया, जो कि अराउंड 8 FPS ज्यादा था 1050 के, 10 से 15% का परफॉर्मेंस जंप। वहीं अल्ट्रा सेटिंग्स पे हमको 38 का एवरेज FPS मिला। अल्ट्रा सेटिंग्स पे हमने 1050 पे खेल ही नहीं पाए थे एंड बहुत ज्यादा लैग था उसमें बिकॉज उसके वीराम का इशू था। इसके बाद बात करते हैं हम मेरे फेवरेट गेम टॉम क्लैंसीज रेनबो सिक्स सीज की, जहां पे 1080p नॉर्मल सेटिंग्स पे आप देख सकते हैं कि एवरेज FPS 78 के मुकाबले 74 का मिला। दिस अगेन मैं ये बोलूंगा कि ये मार्जिन ऑफ एरर के ऊपर नीचे ही आता है बिकॉज GTX 1050 Ti में भी किसी दूसरे, अगर हम लोग बेंचमार्क टेस्ट की जगह दूसरा कोई गेमिंग टेस्ट लेते तो ये बेटर परफॉर्म करता। वहीं हम लोग देखते हैं कि अगर 1% एंड 1.1% लोस की बात करें तो ये बेटर है GTX 1050 से, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस रेजोल्यूशन पे हम ये गेम खेल सकते हैं। नाउ इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज GTX 1050 Ti में हम लोग 1080p पे ये गेम खेल ही नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा लैग। वहीं अल्ट्रा सेटिंग्स पे आप देख सकते हैं कि 50 का एवरेज FPS मिला है एंड 0.1% लोस में 38.7, विच इज क्वाइट नाइस। तो इसका मतलब अगर आप लोग GTX 1050 के मुकाबले 1050 Ti लेते हैं तो ये गेम आप डेफिनेटली खेल पाएंगे विदाउट चेंजिंग एनी रेजोल्यूशन। फिर बात करते हैं मेरे दूसरे फेवरेट गेम की काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव, जिसका 1080p रेजोल्यूशन पे हाई टेक्सचर सेटिंग्स के साथ हमने बेंचमार्किंग मैप को यूज किया एंड स्कोर्स बहुत ही सिमिलर थे 1050 एंड 1050 Ti के। जैसे कि आप देखते हैं 209 का एवरेज FPS आया दोनों केसेस में एंड 0.1% लोज बहुत ही कम था 2.3, वहीं GTX 1050 Ti ने 24.8 का मेंटेन करके रखा हुआ था। इससे ये समझ में आ रहा है कि GTX 1050 Ti भी किसी किसी जगह पे काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था इस गेम में। हाउएवर GTX 1050 Ti में ऐसा कोई इशू नहीं था, बट स्टेबल एक FPS मिल रहा था 0.1% लोज की बात करें तो। वहीं बात करते हैं DirectX Mankind Divided की, जो कि 1080p हाई रेजोल्यूशन पे आप अगेन 10% का परफॉर्मेंस जब देख सकते हैं, जहां पे हमको GTX 1050 Ti में 37.4 का एवरेज FPS मिला, वहीं 1050 में हमको 33.3 का मिला एंड अल्ट्रा सेटिंग करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस जो है ये और कम हो गया, इट केम आउट टू बी 26.4। हाउएवर 0.1% लोस की बात करें तो ये GTX 1050 Ti में अल्ट्रा सेटिंग्स में इट वाज 1.4, जो कि बहुत ही कम है। इसका मतलब स्टटरिंग काफी ज्यादा होगी एंड उसमें हो सकता है हम VRAM के लिमिट को हिट करें। जब हम लोगों ने इसको हाई पे टेस्ट किया था तो मिनिमम वाज 25.5, जो कि काफी प्लेबल है सिचुएशन कितना भी खराब हो उस गेम में। फिर बात करेंगे टॉम क्लैंसीज गोस्ट रिकॉन वाइल्डलैंड्स की, जो कि 1080p रेजोल्यूशन अल्ट्रा सेटिंग्स पे हम लोगों ने टेस्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे कि GTX 1050 ने अल्ट्रा सेटिंग्स पे बहुत ही खराब परफॉर्म किया था। GTX 1050 Ti ने वहीं पे हमको 23.7 का एवरेज FPS दिया एंड 16.4 का 1.1% लोस दिए। तो दिस इज क्वाइट द इम्प्रूवमेंट जो आपको मिल रहा है बिकॉज ऑफ VRAM, जो कि लिमिटेशन अभी नहीं है GTX 1050 Ti पे। वहीं जैसे ही आप इसको लो पे करते हैं तो आपको एवरेज FPS बढ़ के आता है 71.3 एंड दिस शोज कि आप अगर मीडियम एंड हाई के सारे सेटिंग्स मिला के खेलेंगे तो आपको अराउंड 60 FPS कॉन्स्टेंट मिल जाएंगे किसी भी अच्छे CPU के साथ।
अब बात करते हैं विचर 3 वाइल्डलैंड्स की, जहां पे 1080p अल्ट्रा रेजोल्यूशन पे आप देख सकते हैं कि GTX 1050 एंड GTX 1050 Ti दोनों का परफॉर्मेंस करीब करीब बराबर ही था, एंड ये काफी कंपेरेबल था बिकॉज उस कार्ड में भी हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से ये गेम खेला था। हाउएवर इस कार्ड में जैसे ही हम इसका रेजोल्यूशन को थोड़ा कम करते हैं हम लोग काफी आगे निकल जाते हैं, जो कि VRAM लिमिटेशन को हिट नहीं कर रहा है। तो अराउंड 78.3 का FPS मिला जब हमने इसको लो पिच चेक किया था, विच इज क्वाइट नाइस। उसके बाद बात करते हैं प्लेयर्स अनोन बैटलग्राउंड की, जहां पे हमको काफी लिमिटेशन दिखा। GTX 1050 Ti ने हमको 43.9 का एवरेज FPS दिया, जो कि 11 FPS ज्यादा है GTX 1050 के 32 के स्कोर के मुकाबले। वहीं लो सेटिंग्स पे एवरेज इंप्रूव होके 87 का हो जाता है, जो एंड 1% लोज भी इंप्रूव होके 11.7 पे जाता है, विच इज बेटर देन अल्ट्रा सेटिंग्स पे। तो दो फ्रेंड्स, अगर इस गेम को अगर आप अल्ट्रा एंड मिड के मिक्स सेटिंग्स के साथ खेलेंगे तो ये गेम काफी स्मूथ चलेगा आपके पीसी पे, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सीपीयू यू आर यूजिंग। फिर बात करते हैं सबके फेवरेट फोर्टनाइट बैटल रॉयल के, जिसका 1080p रेजोल्यूशन पे एपिक सेटिंग्स एंड PvPS मोड पे हम लोगों ने खेला था, एंड GTX 1050 2GB 47.3 का एवरेज FPS दिया था। वहीं 1050 Ti ने 52.4 का दिया है, जो कि अगेन 10% डिफरेंस परफॉर्मेंस है, जो कि हम लोग शुरू से अभी तक देखते आए हैं। वहीं लो पे अगर आप देखें तो 208 FPS तक आपको मिल रहा है, वहीं पे एवरेज FPS के बाद मिनिमम एंड 1% लोज भी काफी इंप्रूव हुए हैं जब आप इसको लो पे करते हैं। तो अगेन मीडियम एंड हाई के अगर आप मिक्स सेटिंग से खेलेंगे तो आपको काफी अच्छे FPS मिलेंगे इस गेम में भी। अब बात करते हैं Far Cry Primal की, जहां पे 1080p लो रेजोल्यूशन पे आप देख सकते हैं कि GTX 1050 Ti ने 72 का एवरेज FPS हिट किया, जो कि अराउंड 6 FPS ज्यादा है GTX 1050 के। वहीं GTX 1050 Ti ने हाई रेजोल्यूशन पे एवरेज FPS दिया 50 का एंड मिनिमम दिया 44 का, जो कि क्वाइट डिसेंट है एंड आपका गेम काफी प्लेबल है इसमें को विदाउट एनी इश्यूज। फिर बात करते हैं Rise of the Tomb Raider की, एंड जहां पे हम सिर्फ एवरेज FPS की बात करेंगे तो यहां पे एवरेज FPS काफी इंप्रूव हुआ है अराउंड 11 FPS के आसपास, बिकॉज अगेन हम लोगों ने अल्ट्रा सेटिंग्स पे ट्राई किया एंड अल्ट्रा सेटिंग्स में VRAM लिमिट हिट कर रहा है GTX 1050 को। वहीं लो सेटिंग्स पे ये बढ़ के 80 हो गया, विच इज क्वाइट नाइस। इसके बाद बात करते हैं अपने फाइनल गेम की, H1Z1 किंग ऑफ द किल। 1080p रेजोल्यूशन अल्ट्रा एंड आर्केड मोड पे हमने ये गेम खेला, एंड अगेन आप देखेंगे कि वहां पे हमको 67 का एवरेज FPS मिला था 1050 में, GTX 1050 Ti में 62.8 का मिला, जो कि परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं बता रहा है, बट जैसे ही आप इसके एवरेज FPS के बाद मिनिमम FPS एंड 1% लोज और 0.1% लोज देखते हैं तो वो सुधरे हैं GTX 1050 के मुकाबले, इसका मतलब गेम प्ले काफी स्मूथ हो गया है। वहीं पे लो सेटिंग्स पे आपका एवरेज FPS 121 तक चला जाता है एंड 1.1% लोस बढ़ के 49 के आसपास हो जाते हैं, तो दिस इज क्वाइट नाइस, जिससे कि काफी स्टेबल परफॉर्मेंस आपको मिलता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा रॉ परफॉर्मेंस की बात करें तो GTX 1050 एंड GTX 1050 Ti में बहुत ही मुश्किल से 10 से 20% का डिफरेंस है, और ये उन एप्लीकेशंस के लिए हैं जो 2GB से कम VRAM का यूज करते हैं, पर जैसे ही कोई प्रोग्राम या गेम 2GB से ज्यादा का VRAM यूज करने लगता है GTX 1050 Ti अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखता है। वहीं आप इस GPU के साथ अगले आने वाले 1-2 साल के सारे गेम्स 1080p रेजोल्यूशन पे मीडियम एंड हाई सेटिंग्स के साथ काफी आराम से खेल पाएंगे विदाउट एनी इश्यूज, बिकॉज आपका VRAM एक इशू नहीं रहेगा, 4GB आज की डेट में इज मोर देन एनफ। पर मैं एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड ये करूंगा कि आप मिनिमम एक 4-कोर 4-थ्रेड CPU का इसके साथ यूज करें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस में मैं इंटेल के पॉपुलर G4560 CPU के साथ इस कार्ड को पेयर करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं एंड इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूं। ये हमें ऑनलाइन वेबसाइट्स पे एज लो एज 14,000 का मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है, एंड ये वो प्राइसेस हैं जो कि इथेरियम माइनिंग एरा के पहले मिल रहे थे हमको, एंड GTX 1050 अगर आप देखें तो अराउंड 13,000 का मिल रहा है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप GTX 1050 को खरीदें इसके मुकाबले। वही बात है कि अगर आपके पास ₹1,000 में शॉर्ट हो रहा है तो थोड़ा वेट करके खरीद लें, आपको एक फ्यूचर प्रूफिंग देगा हर टाइप के गेम्स में, बिकॉज इट इज क्वाइट स्टिल क्वाइट पावरफुल एंड सारे गेम्स ये चला देता है। आप इसे किसी भी क्वाड कोर सीपीयू जैसे कि i3-8100, Ryzen 1200, 1300X, 2200G या पुराने i5s के साथ पेयर कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टेक ट्यूबलाइट फेसबुक पेज, ट्विटर एंड डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थोड़ी टेक एंड गेमिंग रिलेटेड गप मारने के लिए। देखने के लिए शुक्रिया। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, पीस आउट।